मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका रावत परिवार यूट्यूब चैनल में। और करते हैं एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और हम आ चुके हैं ऑफिस से। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम को, और इनका चल रहा भी यहाँ जलपान, चाय, बिस्कुट, नमकीन और काजू कतली सब चल रहा है। और ये देख रहे हो मेरा फिर से एक पार्सल आया है, मैंने मंगाए हैं शूज़। अभी थोड़ी देर में करती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि अब हम दोबारा से एक नए सफ़र की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दिखाते हैं हम आपको अपने नए सफ़र की तैयारी, और हम बाद में बताऊँगी, थोड़ी देर में बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और शायद आप गेस भी कर लोगे मेरे चेहरे की खुशी देख के कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम वहीं जा रहे हैं जहाँ समझ रहे हो, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना पहले तो आ ही जाएगा, पर बिना देखे पहले बता देना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी मिलते हैं दोस्तों, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फटाफट से मैं इसको खोल दूँ, लाते भी मैंने बना दिया और वो मेरे साइज से बढ़ा गया। ये है एप्पल जूस। अब पहन के देखती हूँ मेरे साइज़ का है या नहीं है। वैसे भी 5 आते थे, मैंने 4 मंगाया है। सही लग रहे हैं, कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेट, बहुत सॉफ्ट है अंदर से। तो ये गए हैं बाल कटवाने और इनके कपड़े हो चुके हैं यहाँ पे फाइनल। ये सारे कपड़े इनके ले जाने हैं। अब बारी है मेरी, मैं खोलती हूँ दीवान और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितने सूट ले जाने हैं और क्या सूट कितने ले जाने हैं और चीज़ें कितनी ले जानी हैं। तो अभी मैं दीवान खोलती हूँ, देखती हूँ कौन कौन से सूट ले जाती हूँ। सारे सूट मैंने निकाल दिए हैं, बट कहते हैं ना कम दिन के लिए जा रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कौन सा सूट ले जाना है कौन सा नहीं ले जाना। और बाबा जी का वहाँ से फ़ोन आ रहा है, बोले ढंग मंगा कपड़ा ले जाना, मतलब ठीक ठाक कपड़े ले जाना, जीन्स वीन्स नहीं ले जाने का, सूट वूट ज़्यादा ले जाने के हैं। तो सूट तो मैंने खैर ढूंढ लिए हैं, रख लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा ले जाएं, बहुत कंफ्यूजन है। तो ये सारे सूट मैंने निकाले हैं, येल्लो वाला निकाला है, पिंक वाला निकाला है, ब्लैक वाला निकाला है, और एक मैंने रख दिया है क्योंकि वो मुझे ले जाने की, एक सिलने दे रखा है वो वहीं से उठाऊँगी मैं। और कुछ साड़ियाँ हैं बस, हो गया। और कुछ जीन्स वीन्स रखेंगे तो इधर उधर जाने के लिए, तब के लिए ठीक है। हाँ तो भाई, तुम्हारा भाई आ चुका है बाल कटा के, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने। और वहाँ से अपडेट आई है कि भाई मतलब ठंड ज़्यादा हो रही है, सर्दियों के कपड़े लेके आए। तो हम सर्दियों के कपड़े लेके जा रहे हैं, बाकी मज़ा आएगा इस गर्मी में, ठंड का मज़ा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए। हाँ तो भाई, निकल गए सर्दियों के कपड़े, देख इतनी गर्मी में, मतलब मई एंड हो रहा है और ये सर्दियों के कपड़े निकालने पड़ रहे हैं हमें। यहाँ नहीं है, और सर्दियों के पता नहीं कहाँ कहाँ रख दिया कपड़े इन्होंने। खबर तो सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि कंबल से काम नहीं चल रहा, रजाई ले रहे हैं। रजाई लेंगे तो और मजा आ जाएगा। आए सर्दी में भी, मतलब गर्मी में भी सर्दी वाला एहसास। चलो भाई, बाकी कपड़े भी देखते कहाँ रखे हुए। तो दोस्तों, खाना पीना हो चुका है, कपड़े देखो कॉलेज में उन्होंने पैक कर दिए हैं। अटेजी अब डिसाइड किया है कि हम बड़ी अटेजी ले जाएंगे, कुछ कपड़े यहाँ पे फैले हुए हैं। ये कर रहे हैं वीडियो एडिट, और ये है कुछ भी कह सकते हो, बिछाने के काम आ जाएंगे, त्रिपाल है, बिछाने काम आएंगे, लाइक त्रिपाल। ये है त्रिपाल, त्रिपाल नहीं तो त्रिपाल जैसे हैं। ये गाड़ी के ऊपर ढकने के लिए लेके जाएंगे, और जब ढकने का काम हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे बिछाएंगे। और ये है रस्सी बांधने के लिए, पापा जी के पास सारे जुगाड़ होते हैं, सारी चीज़ों का समाधान पापा जी के पास होता है, क्योंकि पापा जी ने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जब जो ज़रूरत पड़े फट से तैयार हो जाती हैं। तो रखते हैं, और जैसे कि अभी बताया था कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गांव में बहुत ठंड, गांव में बहुत ठंड हो रही है, तो उसके हिसाब से हम कपड़े सर्दियों के कपड़े ज़्यादा लेके जा रहे हैं, मतलब जैकेट्स वगैरह। तो अब मैं बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड में गढ़वाल। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके वाले गढ़वाल, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि हम जाएँ, तो शादी के बाद अब मौका मिला है हमें जाने का। तो दोस्तों, पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, बट कल एक बार और दोबारा से रिव्यू करना है उनका कि कुछ सामान तो नहीं छूटा हुआ। और अभी हम करने जा रहे हैं
ये देखो फेस मास्क शीट लगाएंगे अभी, एलोवेरा वाला इनका है और विटामिन सी और हनी वाला मेरा है। तो अभी इनके थोपड़े को चमकाते हैं, तो आप कैमरा पकड़ लीजिए, देखते हैं इनके चेहरे पे पूरा आता है नहीं आता, मेरे चेहरे पे आता है। और जूरियो का सबसे पहले बताते हैं जूरियो का है, तो हम रिव्यू भी करेंगे इसका। और ये कितने का पड़ा था ना? ये कम का पड़ा था, 50 या 30? 49। बाकी सब 100-150 के ऐसे ही आते हैं, 100 से ऊपर के ही आते हैं, इससे नीचे के नहीं आते। देखते हैं काम का है भी कि नहीं। क्या खुशबू है भाई, आइस क्लोज कर लो पहले। तुम्हारा तो सही पड़ेगा पूरा, बस थोड़ा सा छोटा पड़ गया तुम्हारे फेस के लिए। ऐसे करो बताओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार मेरी तरफ से अब तुम लगाओ, वैसे मैं इसमें बोल पा रहा हूँ। ये लग रहा है सस्ते थानोस। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 11, तो अभी सोते हैं, इस वीडियो को करते हैं कल कंटिन्यू, मिलते हैं आपसे कल, और तब तक के लिए सो जाओ। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, और करते हैं कल के ब्लॉग को आज कंटिन्यू। तो अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं और नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है, सारा काम निपट चुका है, और हम खा रहे हैं अभी ये मौसमी। तो प्लान कुछ इस तरीके का है कि हमें जाना है कल, तो हम कल जा रहे हैं अपने गांव, वो भी बहुत अच्छे काम के लिए। तो हमारे गांव में मंदिर का उद्घाटन कल रात को लगाया था हमने जूडियो का फेस मास्क शीट, तो कुछ नज़र आ रहा है मेरे को, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो उसमें सिरम भी नहीं था जैसे और में होते हैं ना, इतने सारे इतना ज़्यादा सिरम होता है, इसमें सिरम के नाम पे पानी था। इनके चेहरे पे कोई ग्लो आ रहा है? ये तो बाल कटवा के और गोलू मोलू से लग रहे हैं। दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी और ये लगा रहे हैं अपना बैग, क्योंकि इनका बैग हमने धो दिया है, तो आज ये अपना पुराना वाला बैग ले जाएंगे, यू नो क्या था ये, कैप्टन अमेरिका ले जा रहे हैं अपना, कैप्टन अमेरिका वाला जो कि मैंने गिफ्ट किया था इनको। तो ये बैग मैंने इनको गिफ्ट किया था बहुत साल पहले, अब मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले, और बस इसी को बनाए जा रहे हैं। एक गिफ्ट करा था ये नहीं देख रहा हमने, इतना महंगा 30,000 का फ़ोन गिफ्ट करा, वो कौन बताएगा जो हमने फ़ोन गिफ्ट करा था 30,000 का। कोई कुछ नहीं किया, मैं अपनी ट्रिक बताऊंगी इसमें भी, मैंने कैसे वो करी जालसाजी ये फोन लेने के लिए, यू नो। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा शाम को। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से घर और इनका आना बाकी है उतनी देर से। मैंने फिर यहाँ पे सारी पैकिंग कर दी है, सारे बैग रेडी कर दिए हैं, तो सारे बैग मैंने रेडी कर दिए हैं। तो मम्मी ने बनाया हलवा, तो मैं जाती हूँ पहले हलवा खाने, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है मार्केट से। इनकी ये वाली इनकी ये जैकेट है जो ये हरिद्वार लेके गए थे, वहाँ इनकी चेन खराब हो गई थी सारी जैकेट की, तो ये जैकेट ठीक कराने जाएंगे। मैं जाऊँगी आईब्रो बनवाने जाऊँगी मैं, और फिर ही आके अपना जो भी छोटा मोटा सामान है वो रखेंगे। तो मम्मी ने ये खरबूजे के बीज सुबह धोए थे और सुखा दिए हैं, और मुझे वे ना बहुत अच्छे लगते हैं। जब पहले हम घर पर ना खूब लड़ाई करते थे निस्वर में, मैं छुपा देती थी सारे बीज, सुखा उखा के वो रखती थी और मैं सारे खा जाती थी। कोई तो आया है, देखो कौन आया है। सिमी क्या बोल रही है? ये जा रहे हैं सामान छोड़ने, और सिमी क्या बोल रही है? सिमी चिड़ियाघर जा रही है लोग, हम जा रहे हैं, ये साइंस म्यूजियम जा रहे हैं। एक दिन मैंने बनाया था इसे, ढंग से बनाई नहीं मुझसे, बहुत दिन का लाया हुआ है ये। डोरेमोन।
तुम्हारा क्या निकला? चले मम्मी पैसे दे रही है मम्मी ने मुझे दिए ये मुझसे पैसे ले रहे हैं, मेरी जेब है आज। सिमी नहीं हूँ मैं। तो निकल चुके हैं हम घर के लिए, पापा जी आए थे यहाँ तक छोड़ने के लिए, और अभी इसका मच्छर घूम रहे हैं इतनी देर से। और तुम क्या देख रहे हो फोन में? ये फोन में लगता है रास्ता देख रहे हैं ससुराल का। चलो 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 आ जाओ, देखो हमारे सामान उठाने वाले बहादुर, चलो अंदर बहादुर। मैंने चलो ऊपर, हम मेहमान से मिलते हैं जरा। हम अभी ऊपर मेहमान से मिलते हैं, मेहमान आई हुई है। बाप रे, पावी नमस्ते। क्या कर रखा है ये सब? ओ भाई, बन रहा है खाना और मैं लेती हूँ उसमें से वीडियो। अभी वीडियो एडिट करेंगे, सीधा अपलोड करेंगे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ में नेट की दिक्कत पड़ सकती है, इसलिए हम पहले से अपलोड करके रखेंगे कि आप हमें मिस ना करें। पंखा किसने बंद करा है? भाई राम, दामाद जी के लिए पंखा बंद कर दिया। कूलर नहीं चलाना। रोटी और पापा जी ने खा रहे खाना। खाने में बना है अंडा और दाल, और इस बेला को हो रही है सगर बगर। इसको हो रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, आगे पीछे घूमी जा रही है। और अब शायद हो सकता है कि हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करें। कल से आपको मिलेंगे पूरे के पूरे एक हफ्ते के उत्तराखंड के टूर, नहीं उत्तराखंड के ब्लॉग, सीधा पहाड़ से। तो शायद ब्लॉग आने में भी देरी हो सकती है, तो कोई नहीं, आप हमारे ब्लॉग का वेट करना। और तो बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और रावत परिवार को देखते रहिए। देखने के साथ साथ इसको शेयर भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है कि हमारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास आए। टेक केयर।